तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं यही वाली ट्रेन है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहां पर राजेश खन्ना सर की तस्वीर बनाई है और ये उसी फिल्म का इंजन है। फाइनली गाइज मुझे वो इंजन मिल गया है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। गाइज कैसे सभी, मैं हूँ ललित और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल ललित फिल्म सिटी को। गाइज मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, आपको ये नाम कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज आज हम बात करने वाले हैं साल 1969 को एक बहुत ही सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी जिसका नाम था आराधना। गाइज इस फिल्म का एक सॉन्ग बहुत ही सुपर हिट रहा था अपने ज़माने में। और गाइज इस फिल्म को आए करीब करीब 54 साल हो चुके हैं, 54 साल हो गए हैं इस फिल्म को आए हुए। और गाइज इस फिल्म का एक बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना जो कि आज भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, मुझे भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। गाइज इस फिल्म में एक ट्रेन दिखाई गई है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही ट्रेन दिखाने जा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे ज़रूर कर लें, और जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यह है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, मैं आ चुका हूँ, और यह है टिकट काउंटर। और यहाँ पर मतलब 50 रुपये की टिकट लगती है और बच्चों की 10 रुपये की समथिंग। और अगर आप आते हैं वीकेंड पे आएंगे जैसे शनिवार या सैटरडे या संडे को, तो यहाँ पर 100 रुपये की टिकट हो जाती है। गाइस अंदर आने के बाद आपको नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा रेल म्यूज़ियम का अंदर। और अभी चलते हैं हम इस तरफ, इस रास्ते से चलेंगे हम आगे की तरफ और चलते हैं इसी रेल म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ अंदर की तरफ बढ़ते हुए ना आपको ऐसे ट्रेन की काफ़ी मतलब यहाँ पर पेंटिंग वगैरह दिखाई देंगे इस दीवार पर सामने की तरफ से। तो चलिए इसी रास्ते से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। गाइस अब आप बिल्कुल अंदर आ जाएंगे ना तो आपको यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। और इधर ये देखें महाशय जी खेल रहे हैं इधर डॉगी वगैरह, बताओ इसके अंदर भी मतलब डॉगी वगैरह आ जाते हैं। चलिए आपको फिल्म का जो सॉन्ग है ना उसका एक दृश्य यहाँ पर बनाया हुआ है सामने चलते हैं। राजेश खन्ना जी मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, उसी फिल्म का एक शॉर्ट मतलब सीन यहाँ पर दीवार पर मतलब बनाया हुआ है। चलिए उसके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अब आप देख सकते हैं यही वाली ट्रेन है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहां पर राजेश खन्ना सर की तस्वीर बनाई है और ये उसी फिल्म का इंजन है जो कि आज दिल्ली के रेल म्यूज़ियम में मैं आपको दिखाऊंगा। ये आज भी यहां पर सुरक्षित खड़ा है। और ये देख सकते हैं पूरा इधर माला सिन्हा जी पीछे आपको दिखाई दे रही होंगे ट्रेन में। चलिए पीछे की तरफ से और दिखाता हूँ आपको ये नज़ारा। यार मैंने गलती से माला सिन्हा बोल दिया था, शर्मिला टैगोर जी हैं ये बैठी हुई हैं ऐसे करके ट्रेन में। और इधर से सीन है ये देखिए ऐसे करके शॉट यहाँ पर फिल्माया हुआ है आप देख पा रहे होंगे। चलिए आज हम इसी इंजन को देखेंगे, आपको दिखाएंगे जो उस फिल्म के अंदर दौरान गाने के दौरान जो दिखाया गया ना इंजन वो देखेंगे। तो गाइस मैंने इधर से आपको दिखा दिया है, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं ये वाला इंजन और जो इस फिल्म के गाने के दौरान दिखाया गया ना, तो पीछे की तरफ हो सकता है उसको ढूंढेंगे हम और आपको दिखाएंगे। और बीच बीच में काफ़ी और भी इंजन आपको दिखाई देंगे, तो मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा और आप देखना इस वीडियो को, मज़े लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गाइज एक ये राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है, इसके अंदर काफ़ी इंजन वगैरह छोटे छोटे जो एक मतलब डमी टाइप के होते हैं ना उसके अंदर काफ़ी रखे हुए हैं। तो अंदर तो खैर नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें क्योंकि इस तरफ जाना है। और इधर एक ट्रेन ये जो चलने वाली होती है ना तो अभी इसमें पैसेंजर वगैरह बैठ चुके हैं। गाइस अंदर आने के बाद आपको एक इंजन ऐसे दिखाई देगा और यहाँ पर आप बोर्ड को पढ़ सकते हैं इनके ऊपर चढ़ने का 500 रुपये जुर्माना लग सकता है, तो ऐसा ना करें अगर आप लोग यहाँ पर आएँ। तो चलिए अब इधर चलते हैं और उस वाले इंजन को ढूंढते जो आराधना फिल्म के अंदर दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस अंदर आने के बाद और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे करके यहाँ पर नज़ारा आपको दिखाई देगा इस रेल म्यूज़ियम के अंदर का। और फिलहाल यहाँ पर और भी काफ़ी इंजन वगैरह खड़े हैं, मैं आपको दिखाता हुआ चलता हूँ और उस वाले इंजन की तरफ भी चलेंगे जो गाने के दौरान दिखाया गया है आराधना फिल्म का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये और भी यहाँ पर काफ़ी इंजन वगैरह खड़े हुए हैं इस साइड में। और इस रास्ते से चलते हैं आगे और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट टाइप का है ऊपर बनाया हुआ है ऊपर की तरफ में। यार इस तरफ भी काफ़ी इंजन वगैरह खड़े हुए हैं और कुछ छोटी बड़ी मतलब बोगी वगैरह भी खड़ी हुई हैं आगे की तरफ। और मैं इस तरफ आ गया था, चलिए उस तरफ चलते हैं एक बार उधर ढूंढते हैं, यार काफ़ी पता नहीं कहाँ खड़ा हुआ है। गाइस आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देता हूँ, तो ये तेरे नाम फिल्म के अंदर दिखाया गया है जहाँ सलमान खान यहीं पर खड़े रहते हैं। और फना फिल्म का एक सॉन्ग था जो कि यहाँ पर फिल्म आया था, आमिर खान यहाँ पर चढ़ के डांस करते हैं वो वाला। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा। और इधर आगे की तरफ और बढ़ते हैं, यहाँ भी काफ़ी छोटे छोटे इंजन खड़े हैं, हो सकता है इधर ही हो वो वाला इंजन। और ये काफ़ी पुराने और छोटे इंजन हैं इनमें से, मुझे एक बार ये लग रहा था पर ये वाला भी नहीं है वो इंजन जो गाने में दिखाया गया है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू।
तो ऐसे करके ही मतलब होता तो इसी प्रकार का इंजन है, पर ये वाला नहीं है वो इंजन, क्योंकि मैंने मैच करके देखा वो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है पीछे कहीं और खड़ा होगा, चलिए उधर ढूंढते हैं। ऐसे अभी मैं आगे जा रहा था तो ये देखिए छोटी वाली ये पटरियाँ बनी हुई, यहाँ पर से भी एक छोटी छोटी ट्रेन जाती हैं पतली पतली से, आपको दिखाऊंगा अगर चलेगी ना तो दिखाऊंगा। यहाँ स्टेशन वगैरह भी बने हुए हैं और इस तरफ भी देखिए काफ़ी इंजन वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो चलिए आगे और चलते हैं। अब मैं रेल म्यूजियम के काफ़ी पीछे आ चुका हूँ और इधर भी काफ़ी इंजन वगैरह खड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे इधर से। और इधर भी तेरे नाम फिल्म की शूटिंग हुई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना तो देख सकते हैं उस वीडियो को भी। और यहाँ पर अभी भीड़ बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हैं एक इंजन ये भी खड़ा है। वो यार वो इंजन मिल नहीं रहा कहाँ पर खड़ा है, खैर मुझे बताया गया है पीछे की तरफ ही खड़ा है, तो चलिए एक बार चलते हैं उस तरफ और देखते हैं आगे ढूंढते हैं। गाइस अभी मैं खतरनाक मोड़ पर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो ये एक पटरी है जो कि छोटी छोटी है, मैं इन्हीं पर चल के इंजॉय कर रहा हूँ फिलहाल, तो चलिए उधर चलते हैं पीछे की तरफ। तो फाइनली गाइस मुझे वो इंजन मिल गया है जो आराधना फिल्म के अंदर दिखाया गया है, आराधना ही फिल्म है ना, हाँ तो आराधना फिल्म के अंदर दिखाया गया है आप देख सकते हैं। और इसी फिल्म का वो तो गाने का बोल कुछ इस प्रकार है, खैर मुझे गाने का बड़ा शौक है तो गाइस मैं आपको दिखा सकता हूं। तो अभी आपको ये वाला इंजन का मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा, आप देखना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये बहुत पुरानी 54 साल पहले का इंजन है। चलिए अभी हम बारी बारी करके स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी देखेंगे और इस इंजन का पूरा व्यू आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली गाइस अब मैं आपको आराधना फिल्म के अंदर जो इंजन दिखाया गया है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इस गाने के दौरान जो इंजन है ना वो ये वाला इंजन है। आज से करीब 54 साल हो चुके इस इंजन को और आज आपको मैं इस इंजन का पूरा व्यू दिखाऊंगा, आप देखना बहुत ही मतलब ऐसा ख़तरनाक बना रखा है। उस समय भी मतलब उस ज़माने में भी ऐसे ऐसे इंजन बनाए जाते थे। खैर ये भाप का इंजन है और इधर मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे ना तो आपको ये वाला बॉक्स भी नज़र आएगा। उस समय यहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर ऐसे करके, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कैसे सीन आता है। ऐसे करके कुछ लोग ऐसे करके बैठे रहते हैं, ऐसे आगे एक ऐसे उधर बैठा रहता है और एक बंदा इधर ऐसे करके इसको पकड़ के बैठे रहता है। तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट से देख पाएंगे, तो थोड़ा सा मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। स्क्रीनशॉट में आप इसको भी मैच कर पाएंगे और ये वाला जो एंगल है ना इसको भी आप देख सकते हैं, तो उसमें लाइट वगैरह और ऊपर जहाँ से धुआं वगैरह निकलता था इसका, तो इसको भी पूरी तरह से मैच कर पाएंगे। चलिए अब आगे आ जाइए, आपको और दिखाऊंगा। अब स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीनशॉट से पूरा मैच करना, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये करके ऐसा हिस्सा भी आपको दिखाई देगा और ये वाला एंगल जो है ना ये वाला, तो ये भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई देगा, आप मैच कर लेना। इंजन ये वही वाला है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले वो पता नहीं ब्लैक था उसमें, खैर मुझे तो ब्लैक ब्लैक सा ही दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट में देखेंगे ना तो अब थोड़ा सा ग्रीन है। और स्क्रीनशॉट में आपको और भी दिखा देता हूँ, ये ऊपर के जो गुंबद से है ना ये वाले दो छोटे छोटे से आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो ये भी दिखाई देंगे। और अब हम पीछे की तरफ चलते हैं और आपको और दिखाते हैं इस इंजन का नज़ारा, जहाँ पर मतलब जो कि जो ड्राइवर होता है ना ट्रेन का वो यहाँ खड़े होकर चलाते हैं, तो ये देख सकते हैं। और गाइस इसके बारे में, इस इंजन के बारे में 1917 का आई थिंक ये इंजन शायद बना होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में, आप देख सकते हैं इधर से। और इसको मैं आपको एक बार अंदर से और दिखा देता हूँ, अंदर क्या क्या इसका तामझाम बना रखा है, काफ़ी पुराना इंजन है, तो चलिए एक बार हम इसका अंदर का व्यू देखते हैं। अब मैं आपको अंदर से इसका व्यू दिखाता हूँ, इस इंजन का काफ़ी पुराना इंजन है और इसके अंदर काफ़ी कुछ पुर्जे वगैरह लगा रखे हैं, पता नहीं क्या लंबे लंबे कटोरिया सी लगा रखे हैं, कटोरी नहीं मतलब गिरारी सी नहीं होती है, मतलब इस तरह की कुछ होगा यार इनका अलग अलग काम होता होगा। और इधर भी एक मशीन टाइप की ऐसे लगाई हो सकती है, भाप बनाने वाला कुछ होगा इसके अंदर। और ऐसे करके यहाँ पर ये हैंडल वगैरह इसमें दिए गए हैं, ये देख सकते हैं ब्रेक वगैरह होगा या तो, और इधर भी ये शायद ये क्या चीज़ है पता नहीं, और ये शायद ट्रेन को मोड़ने के लिए होगा इधर से उधर करने के लिए, और इधर भी एक कुछ आइटम लगाया हुआ है इधर भी, तो देख सकते हैं। तो इंजन का नज़ारा कुछ ऐसे करके है इधर से, और ये इसकी छत है पीछे से। और इसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट से भी दिखाऊंगा, इस इंजन को पूरी तरह से मैच कर लीजिएगा। और यहीं पर ही मतलब जो इस ट्रेन के ड्राइवर होते हैं ना वो यहाँ खड़े रहते हैं, और ठीक इसी के साथ में इसका जो बोगी होती है ना पीछे, आपको स्क्रीनशॉट में भी ये दिखाई देगी, और पीछे ऐसे करके ट्रेन है ये, तो आप देख पाएंगे इसको। और चलिए अब मैं आपको जल्दी जल्दी करके स्क्रीनशॉट से दिखाता हूँ, अब मैच करना एक एक चीज़ को। तो यहीं के ही वो सीन मतलब इसी इंजन के वो सीन लिए गए हैं, तो इधर से एक बारी और देख लीजिए,
तो ऐसे करके इन सभी चीज़ों को आप मैच कर पाएंगे इन सब चीज़ों को। तो चलिए अब बारी बारी करके इस ट्रेन के इंजन के सीन देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस फिल्म के गाने का जो पहला सीन है ना, ऐसे करके काफ़ी ऊपर से ड्रोन से आई थिंक उस समय पता नहीं कैसे पहाड़ी से लिया हुआ शॉट, और ट्रेन का ऊपर से व्यू आता है कुछ ऐसे करके, आप देख पाएंगे पूरी ट्रेन का नज़ारा यहाँ से इस प्रकार फिल्माया गया था। और ये देखिए आप पूरी ट्रेन का इस प्रकार नज़ारा, और अभी आपको नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। इस फिल्म का अगला सीन देखते हैं हम, गाने का इधर से दिखाया गया, एक कैमरा एंगल करके ना ऐसे करके दिखाया गया, अभी आपको मैच करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऐसे करके शॉट लिया गया है, जिसमें आप इस वाले ये जो डंडा सा लगा हुआ है ना इसको मैच कर पाएंगे, और ये वाला जो डंडा ना आगे, खैर यहाँ पर एक लोहे की पत्ती सी लगा दिया, खैर बहुत पुरानी बात है ये। और ऐसे करके यहाँ ड्राइवर खड़े रहते हैं ट्रेन के इस जगह पर, ट्रेन के ड्राइवर ऐसे करके खड़े रहते हैं, और इनको आप मैच कर पाएंगे। ऊपर वाली जो गुम्बद है ना, मतलब ये दो बड़े बड़े से ये लगा रखे हैं, अरे पता नहीं क्या बोलेंगे इसको, और यहाँ पर ये इससे धुआं निकलता है, ऐसे करके शॉट दिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं। तो इंजन का कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिखाया गया, थोड़ा सा और क्लोज करके दिखा देता हूँ ऐसे करके, ये देखिए। और ये खिड़की वगैरह भी आप देख पाएंगे, तो यहीं ड्राइवर खड़े रहते हैं इस ट्रेन के। और इसके बाद का अगला शॉट और दिखाता हूँ गाइस। इसके बाद आपको ना एक बार शर्मिला टैगोर जी का भी एक सीन दिखाता हूँ शॉट, मतलब खैर वो ये वाले डब्बे तो मुझे नहीं लग रहे क्योंकि उसमें देखने में काफ़ी बड़े बड़े लग रहे हैं, तो यार इधर खैर घुस नहीं सकता इधर क्योंकि इधर जंगल वगैरह है। तो आपको यहीं से दिखा देता हूँ, ऐसे करके खिड़की में बैठी रहती हैं, तो ऐसे करके ये देख सकते हैं इन्हीं खिड़कियों में बैठी रहती हैं, और सीन कुछ ऐसे ही दिखाया जाता है, खैर उस तरफ से दिखाया जाता है, खैर मैं इधर से दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसके बाद और सीन आपको दिखाता हूँ, इंजन का एक शॉट और आपको दिखाता हूँ इस साइड से, ऐसे करके देखिए इस कुछ इस प्रकार से करके मतलब शॉट दिखाया जाता है। खैर ट्रेन काफ़ी दूर से आ रही होती है, अरे ऐसे करके मतलब आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, तो कुछ इस प्रकार से शॉट दिखाया जाता है इस ट्रेन का। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग वगैरह बैठे रहते हैं, पीछे की तरफ भी बैठे रहते हैं, तो स्क्रीन शॉट से आप मैच कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का नज़ारा। और इसके ठीक बाद का अगला शॉट और दिखाता हूँ इस इंजन का गाइस। गाने का अगला सीन काफ़ी क्लोज करके ऐसे दिखाया जाता है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे रहते हैं इधर करके, और आप इस वाले पाइप को मतलब मैच कर सकते हैं, और ये वाला जो ऐसे नीचे की तरफ घुमा हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको भी पूरी तरह से मैच कर सकते हैं स्क्रीन शॉट से, कुछ ऐसे करके शॉट दिखाया जाता है। उस समय ये मतलब ब्लू कलर का आई थिंक है उसमें स्क्रीन शॉट में आप देख पाएंगे, और ये अब ग्रीन कलर का है, स्क्रीन शॉट से पूरा मैच कर सकते हैं, यहीं का ही वो शॉट दिखाया गया है आगे की तरफ का। और इसके ठीक बाद का अगला सीन और मैं दिखाता हूँ इस फिल्म के कुछ सीन और आगे, जब ट्रेन ऐसे गुजरती है ना, तो ये वाले सीन में आपको दिखाई देंगे ऐसे करके, इनको मैच कर सकते हैं आप, ये वाला आपको दिखाई देगा स्क्रीनशॉट से मैच करना, ये वाला हिस्से को भी आप देख पाएंगे। तो ऐसा करके इंजन आगे की तरफ बढ़ जाता है, और इसके बाद अगला और शॉट हम देखते हैं जल्दी से करके, और यहाँ से कुछ इस प्रकार का नज़ारा है इस इंजन का गाइस। गाने के दौरान एक सीन ऐसे करके भी फिल्माया जाता है, यहाँ पर कुछ लोग वगैरह बैठे रहते हैं, और यहाँ पर कुछ किसी का सामान टंगा होता है, और ये वाला आप देख पाएंगे इसको मैच कर पाएंगे। और सीन है ना थोड़ा ऊपर से लिया गया था, थोड़ा सा और आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं, तो ऐसे करके शॉट दिखाया जाता है, यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, और इस प्रकार शॉट देखने को मिलेगा, और इधर कोयले वगैरह रखने की जगह है इधर देख सकते हैं। तो चलिए गाने का और सीन और देख लेते हैं हम जल्दी से। इस एक सीन और आप देख लीजिएगा, जहाँ राजेश खन्ना सर ऐसे करके मतलब इधर जीप में बैठे रहते हैं, और इंजन कुछ ऐसे आगे की तरफ आता है, आप स्क्रीनशॉट से मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से शॉट फिल्माया गया है, पर कैमरा एंगल कुछ इसी प्रकार से है। आप पूरे इस इंजन को मैच कर लीजिएगा, पूरा ऐसे करके इस हिस्से को देख लीजिएगा, और इधर ही इस तरफ खैर अब तो ये इस रेल म्यूज़ियम के अंदर खड़ा है, वहाँ का थोड़ा नज़ारा कुछ पहाड़ी का अलग था, तो इंजन यही वाला था, आप देख सकते हैं मैच कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की ओर। इस गाने का आखिरी सीन कुछ इस प्रकार से फिल्माया जाता है, इंजन ऐसे करके आ रहा होता है, और राजेश खन्ना सर की जो जीप होती है ऐसे करके इधर से ऐसे करके निकल जाती है, और इंजन वहाँ जाकर रुक जाता है। तो स्क्रीनशॉट से आप मैच कर सकते हैं कुछ इसी प्रकार, इंजन का उस समय शॉट लिया गया है, आप मैच कर लीजिएगा। इस आराधना फिल्म का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आप सभी को। और गाइस ये एक बार और देख लीजिए ये यहाँ का नज़ारा, और चलिए अब हम किसी अच्छी और बढ़िया वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों जय भारत।